सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का स्नोफॉल विंटर कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अगर आपको भी सीखना है इस तरह का बिल्कुल सेम टू सेम फोटो एडिटिंग तो ये वाले वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ये वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है ड्रॉ टूल पे, और ड्रॉ टूल पे आने के बाद आपको ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके फोटो पे जाना है, और यहाँ से आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपने फोटो को ऐड कर लिया है, और ये वाला फोटो का जो बैकग्राउंड है मैंने ऑलरेडी अरेज कर लिया था। अगर आपको फोटो कटआउट करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक से आप सीख सकते हो, और एडजस्ट करने के बाद आप कहाँ पे भी टैप कर देना तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करना है, और ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फोटो लेयर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको जो एक स्नो पार्टिकल्स के पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। इसके बाद इसका यहाँ पे जो लेयर है हम अपने फोटो के नीचे लेके आ जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो ये बैक चले जाएगा। नेक्स्ट आपको फिर से उसी आइकॉन पे क्लिक करके फोटो लेयर पे जाना है, और इस बार आपको जो एक ट्री के पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैंने भी इसे यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ से डन कर लेता हूँ, और इसे जो आपका अपने जो यहाँ पे लेयर है स्नो पार्टिकल्स का लेयर उसके नीचे बिल्कुल चले जाना है, और इस तरह से एडजस्ट करने का देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐड फोटो पे जाना है, और यहाँ पे जो है आपको एक और स्नो पार्टिकल्स को ऐड कर लेना है, और इसे जो है कुछ इस तरह से इस तरफ रोटेट कर लेना लेफ्ट के साइड, और इसको जो है आपको इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है, और ब्लेंड पे जाके कर देना स्क्रीन। नेक्स्ट आपको एरेज टूल पे जाना है, और यहाँ पे फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और इरेजर का हार्डनेस बिल्कुल आपको 1 पे रख देना है। साइज को अपने हिसाब से रख सकते हो, और जस्ट आपको अपने फेस के ऊपर से इरेज कर देना है स्नो पार्टिकल्स को, और यहाँ से डन कर देना। ये हो जाने के बाद आपके यहाँ पे जो स्टिकर वाला ऑप्शन देख रहे हो इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और अपने नेट को यहाँ पे ऑन कर लेना, और इसे फिर से रिट्राई पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद जो है आपके यहाँ पे सर्च पे जाना है, और यहाँ पे आपको जो है स्मोक सर्च कर लेना है। वैसे भी ये वाला पीएनजी मैं आपको स्टॉक लिंक के साथ ही दे दूंगा, और इसे ऐड करने के बाद आपको जो है अपने फोटो के नीचे की साइड इस तरह से एडजस्ट कर देना, जिससे जो है इस तरह से फॉगी लुक आएगा नीचे की साइड, और यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जाना है ड्रॉ टूल पे, और यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, और कलर को व्हाइट कलर सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेना डन। फिर ब्रश वाला आइकॉन पे जाके आपको साइज ओपेसिटी बिल्कुल फुल कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करके हार्डनेस को रख लेना 1% पे, और यहाँ पे सेट कर देना, और इस तरह से आपको एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके कर देना ट्रांसफॉर्म, और इस तरह से जो है आपको अपने फोटो के नीचे की साइड एडजस्ट कर देना है, और यहाँ से डन कर देना। तो देख सकते हो इसे अप्लाई करने के बाद हमारा जो फोटो है बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो चुका है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके अपने इमेज को सेव कर लेते हैं, तो हमारा फोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। और इस फोटो में इस तरह का टोन देने के लिए हमें इस फोटो को लेकर जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके फोटो के ब्लैक्स को इंक्रीज कर देना है, ताकि जितना भी यहाँ पे ब्लैक टोन रहेगा वो सारा रिमूव हो जाए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे व्हाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, और शेडो को कर लेना -10, और हाईलाइट्स को जो है आपको -60 रख लेना है, और कॉन्ट्रास्ट को 20% के आसपास रख लेना, और एक्सपोजर को जो है आपको 0.20 इंक्रीज कर देना है। फिर आपको ये वाले टूल पे जाके फोटो के वाइब्रेंस को इंक्रीज कर देना, ताकि सारे कलर्स यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे रेड का जो ह्यू है इसे हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, और सैचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट हम ऑरेंज पे चलते हैं, और ऑरेंज के सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और ह्यू को जो है अपने स्किन टोन के हिसाब से रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पिंक टोन की तरह दूंगा, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ -5 पे, और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि फेस थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। नेक्स्ट हम येलो पे जाके येलो का सैचुरेशन इंक्रीज कर लेते हैं, और ग्रीन का सैचुरेशन बिल्कुल यहाँ पे डिक्रीज कर देना है, क्योंकि ग्रीन टोन हमें नहीं चाहिए इस फोटो में। नेक्स्ट हम ब्लू वाले टोन पे जाके ब्लू का सैचुरेशन इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे ह्यू को डिक्रीज कर देंगे। तो देख सकते हो कितना कमाल का यहाँ पे टोन आया है, और यहाँ पे ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे वाइब्रेंस को डिक्रीज कर लेना है थोड़ा सा, और सैचुरेशन को रख लेना -5, और टेम्परेचर को जो मैं यहाँ पे -4 पे रख देता हूँ, और टिंट को -3 पे रख देता हूँ, तो काफ़ी सही लगेगा। नेक्स्ट हम ये वाले टूल पे जाएंगे, और यहाँ पे फोटो के क्लैरिटी को इंक्रीज़ करेंगे, और टेक्सचर्स को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, और विग्नेट को जो आपको -20 के आसपास रख लेना है, और फेदर्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना, और ग्रेन को भी यहाँ पे 20% इंक्रीज़ कर लेना। फिर आपको लास्ट वाले टूल पे जाके फोटो के शार्पनेस, नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज़ कर लेना है। इसके बाद आपको ये वाले टूल पे जाके ग्रेडियंट टूल पे जाना है, और यहाँ पे जो थर्ड वाला आइकॉन है इस पर क्लिक कर देना हाईलाइट्स,
और इसका यहाँ पे जो आपको ब्लू टोन दे देना है और सैचुरेशन 20% के आसपास रख के यहाँ से डन कर देना। तो हमारा फोटो यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो बिफोर वाला पिक जो कि था पिक्सेड एप्लीकेशन में, और लाइटरूम एप्लीकेशन में रिटचिंग करने का देख सकते हो हमारा फोटो कितना कमाल का लग रहा है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और एक अच्छा से कमेंट भी कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखना है तो, और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।